नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एफटी न्यूज में। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबर से। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सिद्धार्थनगर में आज गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हेतु स्नातक विधान परिषद MLC के चुनाव के लिए मतदान प्रातः शुरू हो चुका है। मतदान शुरू होते ही ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने अपने मतदान का प्रयोग नौगढ़ तहसील स्थित मतदान केंद्र में किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है, कुछ समस्या आ रही है जिसके निदान के लिए वह जिला अधिकारी से बात करेंगे। साथ ही साथ सभी मतदाताओं से खुद को जिताने की अपील भी की। मतदान केंद्रों में जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। साथ ही प्रत्येक बूथ पर एक कांस्टेबल व कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई। जिलाधिकारी ने मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी तक दुकान बंद रखने के लिए निर्देश पहले ही जारी कर दिए थे, जिससे मतदान केंद्रों के आसपास दुकानें बंद है। चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, जिसमें शिक्षक बनाम मान्य की प्रतिद्वंदिता है और शिक्षक समुदाय एकजुट होकर के एक बड़ी ताकत के रूप में इस प्रदेश में इस प्रदेश की सरकार को एहसास कराएगा और सारे लोगों की जमानत जब्त करके अपने प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी को पहली वरीयता के मत से विजयी बनाएगा। और मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से, सभी सम्मानित मतदाताओं से सबको प्रणाम करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि आप सब जो है अपना मतदान करें, शांतिपूर्वक मतदान करें। और यदि कहीं किसी कर्मचारी द्वारा कोई अनियमितताएँ की जा रही हैं, जबकि ID के नाम पर यहाँ 14 प्रकार की ID हैं और इस तरह से ऐसे अयोग्य लोगों को मतदान अधिकारी के रूप में यहाँ लगा दिया गया है, जो सबसे बड़ा वो है। मैं अभी जो है इसको जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी से और यहाँ के जिलाधिकारी से मैं कहता हूँ, और ऐसे लोगों को तत्काल हटा दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।